नमस्कार दोस्तों, आपका इंडियन हिस्ट्री चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे पल्लव शासक नंदीवर्मन द्वितीय के बारे में, जिसका शासनकाल 730 से 796 ईस्वी तक था। आइए शुरू करते हैं नंदीवर्मन द्वितीय। 730 के लगभग नंदीवर्मन द्वितीय की आकस्मिक मृत्यु के फलस्वरूप पल्लव साम्राज्य में राजनीतिक एवं प्रशासनिक अस्थिरता तथा संक्रांति का उपस्थित हुआ था। परमेश्वर द्वितीय का पुत्र चित्रमाय के लिए अल्पायु होने तथा राज संचालक ही अनुभव शून्यता के कारण राज सिंहासन के लिए अयोग्य समझा गया। फलतः पल्लव शासन को नियंत्रित करने के लिए सिंह विष्णु के भाई भीम वर्मन के वंशज हेड़े वर्मन प्रथम के पुत्र नंदीवर्मन द्वितीय को सिंहासन पर अभिषिक्त किया गया। उसके राजजोड़ की तिथि बड़ी विवादास्पद है। टीवी महालिंगम की उपयुक्त घटना की तिथि 730 से 731, MS शर्मा ने 727, वेंकट रमैया ने 725, EJ ड्रुबुल ने 717 तथा R गोपालन ने 710 प्रतिपादित किया है। विद्वानों की धारणा है कि उसने संभवतः 730 से 731 में पल्लव शासन की बागडोर अपने हाथों में ग्रहण की। नंदीवर्मन द्वितीय तथा परवर्ती पल्लव शासकों के अभिलेखों से उसके राज्याभिषेक की परिस्थितियों में तत्कालीन उच्च पदाधिकारियों तथा समर्थकों द्वारा उसके शासनकाल को संभालने की याचना की बड़ी चतुराई के साथ उल्लेख किया गया है। इन उल्लेखों में इंगित होता है कि परमेश्वर वर्मन द्वितीय की मृत्यु के उपरांत नंदीवर्मन द्वितीय तथा उसके पिता हेड़े वर्मन प्रथम ने काची में अपनी शक्ति और प्रभाव की स्थापना हेतु वैध उत्तराधिकारी चित्रमाय को राज सिंहासन प्राप्ति से वंचित कर दिया। हेड़े वर्मन ने शक्तिशाली मंत्री एवं सेनानायकों को अपनी ओर मिलाकर पल्लव शासन सत्ता को नंदीवर्मन द्वितीय के अधीन कर दी। इस प्रकार वंशानुगत वैध उत्तराधिकार से वंचित चित्रमाय ने नवनियुक्त पल्लव शासक नंदीवर्मन द्वितीय के खिलाफ खुला विद्रोह कर दिया। CR श्रीनिवासन के अनुसार इस विद्रोह में उसके चचेरे भाई महेंद्र वर्मन तृतीय के दो पुत्र ने भी उसका साथ दिया। यदर्थ उसने पल्लव वंश के परंपरागत शत्रुओं तथा पश्चिमी के गंग पूर्वी चालुक पांडवों से भी सहायता ली। नंदीवर्मन द्वितीय का खुलकर विरोध किया। उपयुक्त विद्रोह ही मोर्चे का नेतृत्व पांडे नरेश राज सिंह प्रथम ने किया। उसने उक्त सम्मिलित सेना के बल पर 740 ईस्वी के लगभग नंदीवर्मन द्वितीय को आक्रांत कर दिया और नंदीपुरम के किले में बंदी बना दिया। नंदीवर्मन द्वितीय के उदय निंद्रम अभिलेख से ज्ञात अख्यात होता है कि अतः उसके सेनायक उदयचंद्र ने पांडे शासक राज सिंह को पराजित करके उसे बंदी गृह से निकालकर काची के राज सिंहासन पर पुनः प्रतिष्ठित किया। उत सेनानायकों सेनानायक के विद्रोही मोर्चे को विदृढ़ करके मोर्चे में सम्मिलित युद्धरत विरोधी राजाओं की हत्या कर दी। पल्लव चालुक्य संघर्ष। पल्लव साम्राज्य में आई उपयुक्त राजनीतिक अस्थिरता को देखकर चालुक्य शासक विक्रमादित्य तृतीय ने पल्लवों को आक्रांत करने की योजना बनाई। उसने शासनकाल में अभिलिखित केंदुर अभिलेख से ज्ञात होता है कि उसने पल्लव शासक तुटाक प्रदेश को बड़ी सहजता से जीत लिया। तदुपरांत उसकी विजयवाणी आगे बढ़कर काची पहुंची। उसने इस प्रसिद्ध नगरी के चारों ओर घेरा कर आक्रांत कर दिया। चालुक्यों द्वारा पराजित पल्लव शासक नंदीवर्मन द्वितीय ने कहीं छिपकर अपनी प्राण रक्षा की। इस प्रकार विक्रमादित्य तृतीय ने पराक्रमी पल्लव नरेश नरसिंह वर्मन प्रथम द्वारा किए गए वातापी के प्रभाव का प्रतिशोध लेकर काची के राजकोष को लूट लिया। उसने अपनी इस महत्वपूर्ण विजय को चिरस्थायी बनाने के लिए काची स्थित सुप्रसिद्ध राज सिंहेश्वर मंदिर के शैल स्तंभ पर अपनी उपस्थिति उत्कीर्ण कराई। केंदुर अभिलेख उल्लिखित है कि चालुक्य नरेश ने काची पर अधिकार स्थापित करके वहाँ के मंदिरों पर चढ़ाए जाने वाली भेंट परंपरा की न केवल सराहना की परंतु स्वयं स्वर्ण रत्निक विपुल रत्नों की भेंट चढ़ाकर उसे विवर्धित किया। इस प्रकार उक्त चालुक्य शासक ने काची नगरी को नष्ट न करके उसकी समृद्धि और गरिमा को सुरक्षित एवं संवर्धित करने का संयमित आदर्श प्रस्तुत किया। उसको यह नगर बहुत पसंद आया। फलतः वहाँ उसने कुछ समय रहकर उसे विविध प्रकार के यागिक अनुष्ठान एवं दानादीन आयोजनों को संपन्न कराया। इस दानादिक अनुष्ठानों की उपलब्धता में अनेक दानपत्र निर्गत किए गए। चालुक्यों से पराजित होने के उपरांत नंदीवर्मन द्वितीय अपने खोए हुए राज को पुनः प्राप्त करने के लिए शक्तिशाली राष्ट्रकूटों की शरण ले ली। टी महालिंगम की धारणा है कि उसने राजकूट शासक दंती दुर्ग के यहाँ जाकर चालुक्यों के विरुद्ध सहायता की याचना की थी क्योंकि वहाँ भी चालुक्यों का एक प्रमुख प्रतिद्वंदी था। संभवतः नंदीवर्मन द्वितीय ने दंती दुर्ग द्वारा सवर शासक उदयन निषाद नरेश पृथ्वीवाग्र एवं सिंधो आदि के विरुद्ध संचालित सामरिक अभियानों में भी भाग लिया। उक्त युद्धों में विजय प्राप्त करने के उपरांत 745-746 ईस्वी तक राजकूट नरेश दंती दुर्ग ने तैनात चालुक्य नरेश सेनाओं को पराजित कर दिया। नंदीवर्मन द्वितीय को पुनः पल्लव राज सिंहासन प्रतिष्ठित किया। टीवी महालिंगम का अनुमान है कि नंदीवर्मन द्वारा राष्ट्रकूट राज्य में बिताए इस प्रवास काल में विजयी
चालुक्य नरेश ने चित्रमा तथा महेंद्र वर्मन द्वितीय के परियार के किसी राजकुमार की काची का कार्यभार शासक नियुक्त किया, परंतु उनका यह मत साक्ष्यभाव में यथेष्ट नहीं लगता। परंतु टीबी महालिंगम ने अपनी धारणा के समर्थन में कोई पुष्ट प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया। इसके विपरीत अभी तक ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं हो पाया है कि पराजित नंदीवर्मन द्वितीय ने तत्कालीन राष्ट्रकूट शासक रणजीत दुर्ग से सहायता याचना की थी अथवा काची के राज सिंहासन पर युक्त अंतराल में उसका विरोधी कोई पल्लव राजकुमार आसीन हुआ। इस संदर्भ में इतना अवश्य प्रतिभाषित होता है कि काची पर विजय प्राप्त करके चालुक्य शासक विक्रमादित्य द्वितीय ने अपने पतिमाता विक्रमादित्य प्रथम की पराजय का बदला ले चुका था, परंतु तत्कालीन राजनीतिक समीकरणों को देखते हुए न तो वह वहाँ अधिक समय तक रुका और न ही पल्लव साम्राज्य को अपने राज्य में सम्मिलित करने का प्रयास किया। इसके विपरीत वह राजधानी वातापी लौट आया। उसने ऐसा इसलिए भी उचित समझा होगा क्योंकि दक्षिण पांड्यों, चोल कलभरों तथा केरलों की ओर से उसके राज्य पर क्रमशः सामरिक दबाव पड़ने लगा था। इसके अतिरिक्त उसके पड़ोसी राजकूट शासक दंतीदुर्ग ने भी अपनी शक्ति में प्रभुत्व को विस्तृत करने में तल्लीन था। विक्रमादित्य ने काची पर अपना अधिकार स्थापित करने के उपरांत वहां दान इत्यादि सहृदयपूर्वक कूटती चाल को संभवतः इसलिए अपनाया ताकि पल्लव राज की जनता में चालुकों के प्रति परंपरागत शत्रुता के भाव किंचित न्यूनता आ जाए। फलतः काची से लौटने के बाद नंदीवर्मन द्वितीय ने पुनः अपना खोया हुआ राज प्राप्त कर लिया। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने पल्लव शासक नंदीवर्मन द्वितीय के बारे में मैंने आपको बताने का प्रयास किया है कि नंदीवर्मन द्वितीय ने अपने साम्राज्य को कैसे स्थापित किया। तो अब जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने नंदीवर्मन द्वितीय के बारे में आपको जानकारी प्रदान की। अब यहाँ पर पल्लव चालुक्य संघर्ष। पल्लव साम्राज्य में आज उपयुक्त राजनीतिक अस्थिरता को देखकर चालुक्य शासक, यहाँ मैंने आपको ये बता दिया था, मैंने पढ़ के आपको बता दिया है पल्लव चालुक्य संघर्ष, इसके बाद पल्लव राष्ट्रकूट संघर्ष है। यहाँ देख सकते हैं पल्लव राष्ट्रकूट संघर्ष, मैं इसको अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि नंदीवर्मन द्वितीय और राष्ट्रकूट स्वतंत्र दूत के बीच पल्लव राष्ट्रकूट संघर्ष कैसा हुआ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।